झांसी के पुंच थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खकल के विद्यालय में पानी भरा हुआ है, जहां पिछले कुछ दिनों से ग्रामीणों को मगरमच्छ दिखाई दे रहा है। मगरमच्छ के देखे जाने के बाद से विद्यालय में शिक्षण कार्य बाधित है। अध्यापकों ने पुलिस एवं वन विभाग की टीम को सूचित करते हुए बताया कि ग्राम खकल के कंपोजिट विद्यालय के बगल से नहर निकली है। जब नहर में पानी अधिक बढ़ जाता है तो उसका पानी गांव तथा विद्यालय में भरने लगता है। ये समस्या समय समय पर ग्राम वासियों के सामने आती है। विगत कुछ दिनों पहले नहर का जलस्तर बढ़ा तो ग्राम के कंपोजिट विद्यालय में पानी भर गया। जैसे तैसे अध्यापक दो कक्षों में सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। करीब चार दिन पहले लोगों ने स्कूल के भीतर मगरमच्छ को देखा तो वो भयभीत हो गए। बीते कल भी गांव के बच्चों ने विद्यालय में मगरमच्छ देखा और इसकी सूचना विद्यालय के अध्यापक को दी गई। विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापिका कविता गुप्ता ने बताया कि वो सोमवार सुबह जैसे ही विद्यालय पहुंची, उन्हें ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में भरे पानी में मगरमच्छ देखा गया है, जिसकी सूचना उन्होंने पुंच पुलिस तथा वन विभाग के अधिकारियों को दी। उनका कहना है कि बरसात के दौरान तो विद्यालय में पानी भरा ही रहता है, लेकिन जब नहर का जलस्तर बढ़ता है तब भी जल भराव की समस्या होती रहती है। इसके संबंध में विभागीय तथा प्रशासनिक अधिकारियों सहित ग्राम प्रधान आदि को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विद्यालय की तुलना में नहर ऊंचाई पर है, जिसके चलते जल भराव की समस्या बनी रहती है। अगर विद्यालय को ऊंचाई दे दी जाए तो शायद इस समस्या से निपटा जा सकता है। वहीं गांव के कई घरों में पानी भरने से और अब गांव में मगरमच्छ की सूचना से दहशत व्याप्त है। शाम होने के बाद लोग घर से निकलने में डरते हैं। वहीं बच्चों ने दहशत में स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। मेरा नाम श्रीमती कविता गुप्ता है। मैं यहां पर विद्यालय में इंचार्ज कौन सी ग्राम का है? ये खकल का है, कंपोजिट विद्यालय। क्या हो गया? यहाँ बगल में नहर है विद्यालय के, उससे क्या है कि जब पानी ओवर हो जाता है नहर में, नहर फट जाती है तो विद्यालय में पानी भर जाता है, क्योंकि विद्यालय है ऊंचाई पे और नहर का जो वो है वो ऊँचा होकर पानी अंदर आ जाता है। तो यहाँ का कई बार मतलब हमने प्रधान से भी कह दिया है और सबसे अपने विद्यालय में भी कहा, सब जगह कहा कि हमारे विद्यालय में ऊंचाई कराई जाए, जिससे यहाँ नहर का पानी घुस ना पाए। बच्चे इसलिए दहशत में है क्योंकि उन्होंने शाम को यहाँ गांव वालों ने भी देखा, बच्चों ने खुद देखा मगरमच्छ को, इसलिए बच्चे सुबह आए सबसे पहले बोले कि मैडम जी यहाँ पे मगरमच्छ है। और वो जो है बच्चे सब हमने अंदर बिठा दिए हैं फिलहाल बच्चों को, लेकिन डर तो है ही है, इसलिए मैंने पुलिस विभाग में एसओ साहब को पूछ कर फोन कर दिया है और वन विभाग को सूचित कर दिया है। क्या अभी तक आई वन विभाग? अभी तो कोई नहीं आया। कितनी कैंप पड़ती हो? कब देखा है मगरमच्छ? कहाँ पर आई थी? कल मगरमच्छ देखा है, स्कूल में अध्यापक को बताया है आकर। अच्छा, विद्यालय के अंदर है मगरमच्छ? क्या डर नहीं लग रहा है? सर डर लग रहा है तो लेकर हमारे खेल इसमें खाली होने के कारण स्कूल में पानी भर गया, मगरमच्छ भी आ गया। किधर है मगरमच्छ? स्कूल के अंदर है। स्कूल के अंदर फिर वन विभाग को सूचना की? नहीं। कौन सा विद्यालय है? कंपोजिट विद्यालय। झांसी से रवि परिहार के रिपोर्ट